चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोरोना योद्धाओं को परिजनों को दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने दिया 1 करोड़ रुपया। कोरोना के समय इन्होंने दिया था बड़ा योगदान। फिर डराने लगा कोरोना खतरा। महाराष्ट्र में कोविड-19 के 50 नए मामले, 9 मरीज, JN1 का मामला दर्ज, लोगों को कराया गया भर्ती। कर्नाटक में अभी हिजाब मामला पर लगा प्रतिबंध, सरकार ने यू टर्न मारा। सिद्धारमैया बोले अभी मामला रहेगा पेंडिंग। दिल्ली में घने कोहरे का पूर्वानुमान, यूपी बिहार समेत अन्य राज्यों में 1 जनवरी से बढ़ेगा ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बांके बिहारी के दर्शन में उमड़ी भारी भीड़, दम घुटने से 2 महिला 3 श्रद्धालुओं का हो गया मृत्यु। सलमान खान के भाई अरबाज खान ने सूरा खान से किया है निकाह, रवीना टंडन ने दिया दोनों कपल को बधाई। झारखंड के युवाओं के लिए खुशखबरी, जल्द होगा 8,919 पदों पर आरक्षी की भर्ती, पुलिस विभाग में निकलने वाला है 15 जनवरी से आवेदन। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 60,244 पदों पर नोटिफिकेशन जारी, 27 दिसंबर से कर सकेंगे आवेदन। फरीदाबाद में फर्जी कॉल सेंटर, अमेरिकी बैंक के नाम पर लूट रहे थे लाखों रुपया, पुलिस ने पकड़ा 36 लड़का लड़की हुए गिरफ्तार। कांग्रेस नेता सुनील केदार विधानसभा आयोग घोषित, धन के दुरुपयोग मामले में दोषी करार। यूपी में योगी सरकार का बड़ा ऐलान, क्रिसमस न्यू ईयर पर योगी सरकार का तोहफा, यूपी में देर रात 11 बजे तक खुले रहेगी शराब की दुकानें। सचिन पायलट को राजस्थान से हटाकर बनाया गया छत्तीसगढ़ पार्टी प्रभारी, कांग्रेस के एक तीर से कई निशाने। बलिया के सपा जिलाध्यक्ष की लखनऊ में सड़क हादसे में हो गई मृत्यु, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे अखिलेश यादव। रामलला के दर्शन को तैयार कर रहे, घर घर जाकर अक्षत निमंत्रण देंगे आरएसएस स्वयंसेवक, नए साल में चलेगा विशेष अभियान। तेलंगाना विश्वविद्यालय में रैगिंग के आरोप में 80 लड़कियों को किया निलंबित, जूनियर पर डाला था डांस और नाचने का दबाव। भजनलाल की सरकार में बुलडोजर का एक्शन फिर से शुरू, नॉनवेज दुकान होगा ध्वस्त, मछली मुर्गा अंडा बेचने पर अब लगेगा प्रतिबंध। के पाठक ने दिया है गुड न्यूज, बिहार में अब हर साल होगा 40,000 शिक्षकों का भर्ती। शिवम दुबे की चमकी किस्मत, T20 वर्ल्ड कप 2024 में हार्दिक पांड्या को कर रहे रिप्लेस। नई रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, कोरोना के नए वेरिएंट से जा रही है लोगों की आवाज, अगर आपको भी कोरोना होता है तो आपका भी आवाज जा सकता है, डॉक्टरों ने दिया इस तरह का चेतावनी। कोहरे ने थामी है ट्रेनों की स्पीड, गोरखपुर अहमदाबाद एक्सप्रेस 9 घंटे लेट पहुंचा, कई रूटों पर ट्रेन हुआ बंद। इंडोनेशिया के प्लांट में अचानक हुआ धमाका, 12 लोगों का हो गया मृत्यु, चीन से है बड़ा कनेक्शन। क्रिसमस से पहले गुलजार हुए हिल स्टेशन, औली में उमड़े पर्यटक, अटल टनल के पास लगा 5 किलोमीटर लंबा जाम। कर्नाटक में सिद्धारमैया का हिजाब को लेकर बड़ा बयान, बोले बैन पर अभी फैसला टला। पाकिस्तान में भुखमरी की हालत, बढ़ती कीमत की मार से त्रस्त जनता, चाय से चिकन तक सब हो गया महंगा। फैंस को लगा 440 वोल्ट का झटका, एक साथ 6 खिलाड़ी अफगानिस्तान T20 सीरीज से हुए बाहर। गाजा में फिलिस्तीनियों की मौत का आंकड़ा बढ़कर 20,258 के पार, लगातार इजराइल फिर से शुरू कर दिया है मिसाइल का हमला। 75वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो, पीएम मोदी ने पोस्ट शेयर कर जाहिर किया है खुशी। इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, भारतीय महिला टीम ने रचा इतिहास, ऑस्ट्रेलिया को पहली बार टेस्ट मैच में हराया। मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है क्यूरेटिव पिटीशन, सीएम शिंदे बोले हमने 2 महीने कड़ी मेहनत की। बिहार में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर जानलेवा हुआ हमला, राजस्व अधिकारी समेत 7 पुलिसकर्मी हुए घायल। स्वाद गंध ही नहीं गली की आवाज भी छीन सकता है कोरोना संक्रमण, सामने आया है हैरान करने वाला मामला।
सरकार ने भारतीय कुश्ती महासंघ को किया सस्पेंड, कहा WFI के नए अध्यक्ष का फैसला नियमों के खिलाफ। नए साल में बिहार के लोगों को मोदी सरकार देगी बड़ा उपहार, गडकरी करेंगे कई राजमार्गों का लोकार्पण। ताइवान में भूकंप से कांपी धरती, रिक्टर स्केल 6.3 तीव्रता दर रही, घरों से बाहर निकले लोग। कमर्शियल सिलेंडर का दाम 39 रुपए घटा, मसूर दाल का कीमत भी बढ़ सकता है, सरकार ने दिया बुरी खबर, कई जगह महंगा होगा दाल। भारत में फिर पकड़ रहा है कोरोना रफ्तार, एक दिन में 752 मामला आया, 4 की हो गया मृत्यु, 5 राज्यों में फिर कोरोना एक्टिव, कई जगह मास्क लगाना हो गया अनिवार्य। यूपी बिहार वाले तमिलनाडु में टॉयलेट साफ करते हैं, डीएमके नेता के बिगड़े बोल, भाजपा ने नीतीश से पूछा सवाल। झारखंड JCC के तरफ से निकाली गई है कांस्टेबल के पद पर 5000 पदों पर भर्ती, 14 जनवरी से कर सकेंगे 10वीं-12वीं आवेदन। मोबाइल कंपनी वीवो मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 लोग हो गए गिरफ्तार, लावा के MD हरिओम राय समेत अब तक टोटल 7 लोगों का हुआ गिरफ्तारी। शेयर मार्केट में लागू होने वाला है नया नियम, सेबी ने T+0 सेटलमेंट के लिए कंसलेशन पेपर पेश किया, इससे 1:30 बजे से पहले शेयर बेचने पर शाम 4 बजे तक अकाउंट में आ जाएगा आपका पैसा। कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से लोगों में सबसे ज्यादा खतरा, WHO भी चिंतित, नए साल के जश्न में भी लगा सकती है सरकार प्रतिबंध, कई रूटों पर हो सकता है बंदी। 25 दिसंबर से बढ़ेगा ठंड, उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के कारण दिल्ली में वायु गुणवत्ता हो गया खराब, अन्य राज्यों में भी बढ़ेगा ठंड, इसको लेकर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी किया। टेट की परीक्षा कल से हो रही है शुरू, 3 लाख से अधिक बच्चे बैठेंगे एग्जाम पर, सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम। दूसरे राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले के बीच झारखंड भी अलर्ट, 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से झारखंड में मचा हड़कंप, स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के लिए सरकार ने बुलाई बैठक। पाकिस्तान में इमरान खान को बड़ा झटका, आम चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने PTI से चुनाव चिन्ह बल्ला का किया रद्द। ईडी ने तेजस्वी यादव को फिर भेजा है समन, पूछताछ के लिए 5 जनवरी को बुलाया ईडी दफ्तर। इजराइल हमास वार के बीच इजराइल ने लेबनान और गाजा में दागी फिर से मिसाइलें, हमास के कई आतंकवादी मारे गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में पीएम मोदी करेंगे 8 किलोमीटर लंबा रोड शो, तैयारी जोरों शोरों से हुआ शुरू। पश्चिमी मध्य रेल का बड़ा कारनामा, एक साथ जोड़कर चलाया 3 मालगाड़ियां, सफल हुआ परीक्षण। पेंशन बीमा और बहुत कुछ, मोदी सरकार एक लॉन्च कर रही पोर्टल जिसमें 29 करोड़ लोग कराएंगे रजिस्ट्रेशन, सरकार सभी को देगी अलग अलग फायदा। गुजरात की स्कूली सिलेबस में भगवद गीता शामिल हो गए, अगले सेशन से होगा पढ़ाई शुरू। इलेक्शन 2024 दिल्ली पंजाब के बाद अब सीट बंटवारे पर पश्चिम बंगाल में रार, कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने पर TMC तैयार नहीं। दिल्ली में महंगा हो सकता है PUC सर्टिफिकेट बनवाना, 80% तक बढ़ सकता है कीमत। तेजस्वी यादव को ईडी ने फिर जारी किया समन, विदेशी यात्रा की अनुमति वाली याचिका पर कोर्ट में सुनवाई जल्द। बजरंग पुनिया पीएम मोदी के बाहर अपना पद्मश्री पुरस्कार छोड़कर चले गए, दूसरे पद पर अध्यक्ष बनने पर किया दुख जताया। भाजपा की सरकार ने गुजरात में भी दी है शराब कानूनी को ढील, बिहार में तेजी से हो रहा मांग। ACS KK पाठक का नया फरमान, 10 को पुरानी हाजिरी सिस्टम होगा खत्म, टीचर नहीं पाएंगे मनमानी, लागू होगा नया नियम। पीएम मोदी ने BJP पदाधिकारियों को दिया है जीत का मंत्र, कहा 4 जातियों को ध्यान में रखकर करे काम, लोगों तक पहुंचाए सरकार की योजनाएं। 23 गुना बढ़ा है भारत का रक्षा निर्यात, ब्रह्मास आकाश मिसाइल तेजस विमान जैसे दर्जनों हथियार की विदेशों में हाई डिमांड। हिमाचल में डीजल बसों की जगह अब ई बस सेवा होगा लागू, 1500 बसों का रिप्लेसमेंट करने में सरकार ने दिया मंजूरी।